नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह अब जो है भगदौड़ के उठ लिए हैं और जी यहाँ से भी सब नीचे जा लिए हैं दोस्तों। अब फिर दोबारा से चल रहे हैं, मौसी आई हुई थी, अब मौसी को छोड़ के आते हैं। अब दोस्तों खेत में जाना नहीं हुआ, देखना है पानी भी चलेगा वहाँ, वहीं छोल चल रही है वहीं पानी चलेगा। तो दोस्तों चल रहे हैं फटाफट कपड़े पहन के। तो रात हम दोस्तों करीब 11 बज गए थे हम आने में, फिर खाना वाना खा के लेटे तो 12 बज गए। तो दोस्तों यही रहेगा इन दिनों में, थोड़ा सा 15-20 दिन का काम ज़्यादा है। तो चलते हैं फटाफट, मौसी को छोड़ के आते हैं। मौसी जो है बस में बैठेंगी, फिर ये जाएंगी गाजियाबाद, वहाँ से फिर जाएंगी सिकंदराबाद। दोस्तों अब नीचे आ लिया है, मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। फटाफट मौसी को मैं बस में बैठा रहा हूँ। दोस्तों मौसी का बड़ा बड़ा धन्यवाद रहा कि मौसी जो है इतने दिनों तक ही, अच्छा जी एक दिन के लिए मौसी रुकी। तो दोस्तों जल्दी वहाँ पहुँचेंगे और मौसी के वहाँ भी दिखाएंगे। मम्मी जी नमस्ते, पापा जी नमस्ते, राधे राधे। दोस्तों मौसी को सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि हमने श्री कृष्ण राधा जी की फोटो जो है लगा रखी, मौसी जो है इन्हीं की भगत है। दोस्तों आ गए सड़क पार कर। दोस्तों अब यहाँ सड़क पार करनी दिल्ली की तरह मुसीबत बनती जा रही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत भयंकर। देखो जी, लो जी दोस्तों मौसी तो चली गई, अब चल के अपने खेत में छोल लेते हैं और दिल्ली वाले चोपले को पार कर लेते हैं। देखो जी सामने जो है मेट्रो, सामने मेट्रो भी आ गई है। और दोस्तों यहाँ इतना भयंकर जंगल था, ये सिवाय वालों का चखता यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन जब भी हम कभी शाम को या रात को उतरे तो हम सिवाय उतरते थे, वहाँ से पैदल जाया करें थे, यहाँ नहीं उतरता था कोई भी। यहाँ भयंकर जंगल था जी, बिजली घर अंदर जाके था, कुछ था ही नहीं, कहीं भी कुछ नहीं था। और कमाल की एक बात और थी जी, रेलवे लाइन के यहाँ फाटक भी नहीं थे, अंदाजे से पार करते थे, जब ना इतनी ट्रेन ने भी नहीं थी इतनी। अब दोस्तों हम भी ऊपर वाले का नाम लेकर रोड पार करेंगे, क्योंकि यहाँ सुबह सुबह 3-4 ठुक गए टिंग टोंग। दोस्तों पहुंच लिए हैं घर जी फटाफट, दरबान ने गेट खोल दिया है। दरबान कैसे गेट से बाहर आ रहा है, चलो जल्दी खोल दो भाई, जल्दी छोल छोल नहीं कांडे छोल नहीं। दोस्तों आप भी चाय पी लो, अब चल रहे हैं दोस्तों फटाफट, यहाँ से निकल चलते हैं खेतों की तरफ फटाफट। दोस्तों सुबह सुबह ऐसा ही रहता है, बुल्लू भाई भी चले गए हैं। अब दोस्तों चल के गन्ना थोड़ा बहुत छीलते हैं, पानी भी चल रहा है। और दोस्तों पानी उसी खेत में चल रहा है जिसमें छोल चल रही है बराबर में, टिंग टोंग। ध्यान मुझे अब आया, पिंग पोंग, कभी चूली बुली हो जाए। अब दोस्तों मैं भागा दौड़ी ऊपर से नीचे आ लिया हूँ, और यहाँ देखें जी बबलू भाई और पापा जी जा लिए हैं अपने काम से, शाम को ही आएंगे। और ये देखें जी अभी अंश की छुट्टी है कई दिनों की, तो अम्मा और ये जो हैं अपना काम कर रहे हैं। अब दोस्तों हम चल रहे हैं खेत में फटाफट, मोटरसाइकिल लेकर टिंग टोंग। खेतों में पहुँच लिए हैं जी, पत्ती ये फैलाई नहीं गई। और वहाँ देखो जी सामने एक ट्रोली रात डल गई थी इनकी, और देखो जी एक और तैयार है, बिल्कुल रेडी है ठेकेदार, धाएं धाएं। अब दोस्तों रोज किसान जो है निपट रहे हैं, हमारे चारों तरफ किसान निपट गए हैं, बस हमारा ताऊ जी का रह रहा है। बाकी दोस्तों ये जो किसानों का आपको गन्ने दिख रहे हैं इधर, ये सब जो है छोली चला रखी है इन्होंने चारे के लिए, बस 2-4 गोले करते हैं अपना, और अपना बीज बच रहा है गेहूँ का। और बाकी ये देखे जी यहाँ ये टिंकू भाई वाले में गेहूँ खड़ा है जी, बहुत बढ़िया कलोनी में सन्नाटा है। और ये देखें जी 0118 की पिड्डी, ये जो भाई ने बीज दिया है जी गाँव में, और ये देखो जी पेड्डी कैसी फूट का आ रही है, ये देखो। तो ऐसी बात नहीं है, 0118 की पेड्डी जड़ से कटके भी हो रही है, लेकिन आपको इसमें भी यही फॉर्मूला करना है कि इसमें जो है पत्ती फैलवा दें, इसकी जड़ों को ज़्यादा ना किरोद दें, जड़ जो है इसकी ख़राब हो जाती है फिर। और ये देखें थोड़ा सा बीज इन्होंने अपना बचा लिया, बाकी इन्होंने गाँव में दान कर दिया था। और बाकी ये दो गन्ने खड़े हैं, कोई ना काटे ले जाएगा तो इनकी आँखें फूट रही हैं। तो देखो जी 0118 की पिड्डी भी हो रही है, होने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब 2-3 साल में 0118 बढ़िया पकड़ कर जाएगा। लेकिन अभी 38 नहीं पिट रहा किसी भी बीच पे, ये एक सोचने वाली बात है। जैसे ट्रैक्टरों में, जैसे पहले भी जिक्र हुआ है वीडियो में, जैसे ट्रैक्टरों में स्वराज ट्रैक्टर से कंपटीशन सभी कंपनियों का रहता है ज़्यादातर ताकत के मामले में, उसी तरह गन्ना वैरायटी में 0238 से है जी कंपटीशन। तो दोस्तों फटाफट 12 पर पहुंच रहे हैं, मिंदर दिखाई दे रहा है मुझे, पानी चल रहा है वहाँ। बस सुबह का काम करने की मारो तो जल्दी रात को ही गांडे गेर का आए थे मिंदर,
सवेरे उठते कहने लगी मौसी मैं जाऊं भैया, मौसी को छोड़ गया। फिर वो बबलू से लेकर गया, वो उसकी वो आ रही थी सिस्टर इन लॉ, पापा और बबलू गए। अब बात यो यार, हम किस टाइम अपना काम करेंगे खेतों में? मिंदर पानी कहाँ लो, जालिया बंद कर दू क्या? चल तो मैं फावड़ा लेकर आ रहा। तो दोस्तों ये देखो जी, एक तो नेपियर देखो जी, जड़ से कट के कितना भाग रहा जी। ये सही समय होता है जी इनका। वो देखो नील गाय आई होगी, ये देखो जी 97.09 बीज कैसा उग रहा जी। ये देखो आप खुडों में देखो, यहां से देखो जी जमाओ, और सबसे जमाओ हमें टॉप का था जी 14201 का लगा। यहाँ से देखो, ये यहाँ से 14201 है, ये भी है थोड़ा सा यहाँ। अरे ये देखो जी, ये देखो, ये देखो कमाल है जी, कमाल है। अब इसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी डलेगी थोड़े दिन बाद। ये देखो जी भाई मिंदर, 14201 ने तो सारे मार लिए जमने में, तो इसका मतलब यो भी पकड़ करेगा भाई जमीन में, है ना? ये तो अगर ताजा ही पौधा काट के, इसका मतलब इसमें बस्सी होगा प्रभाव पड़ा है। ये तो गैल की गैल बूग गया था 5-7 मिनट में ही, कमाल हो गया जी। पानी आने के बाद तो ये तो मजा ही आ गया। देखो वो पानी खुलवा दिया था मिंदर, भर गया था ना सारे में, या वो अलग से ही भरा था इंगे? यो जो इंगे हिंसी तो खोल के भरा था, अलग से लाए थे पानी? हाँ तो देखो बढ़िया रहा नहीं, इसका फालतू पानी उतर गया और उनका काम हो गया अपना, ऐसी तो हो जा कर रहा है और क्या है। ये देखो जी सारे बीज उग गए, ये देखो जी पानी आते का छलांग मारी है, का छलांग मारी बा। अरे दोस्तों घास से घबराने की जरूरत नहीं, वो हरी खाद है, जिस तरह कहते भी हैं ऑर्गेनिक फीड, हरी खाद ये वो टिंग टोंग, हरी खाद है जी वो, इससे ना घबराइयो बिल्कुल भी। यो तो गन्ने को इतना पोषण देती है जिसकी कोई आड़ नहीं, और लोग इसकी स्प्रे बेच बेच के कंपनियां तो होगी माला माल, किसान बर्बाद हो जा बेचारा। इसे ना कर करो, इसे तो खोद पीट के ऐसी कर दे कर उन्हों जैसी वो होगी। अब इसमें खुरपी निकलवा देंगे हल्की हल्की, कुछ ऊपर की मुंडेर पर जुताई कर देंगे और बात खत्म, एक झटके में घास काबू में। अरे यो भी बात है जी, घास कभी खत्म नहीं होने की। कोई यो सोचता हो मैं स्प्रे से खत्म कर दूंगा, तो भैया स्प्रे मारो ही जाइए, घास ना कभी भी खत्म होती। धरती पर से इंसान तो खत्म हो सके, ये सब कुछ खत्म हो सके, लेकिन घास नहीं खत्म हो सकती। इसलिए बिना मतलब टेंशन न लो, इसका बस टाइम टू टाइम इसका वो बनाते रहो फार्मूला। रही हो देखो जी हमारे आने से पहले पहले ही इसमें से घसिया रहे 8-10 गठिया काट के लेगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, वो भी खून पत्ती को खून ही रहे हैं, कुछ फायदा ही कर रहे हैं हमारा। कोई बात नहीं, जब टाइम मिलेगा इनमें जो है दवाई 240 वो मार देंगे, टिंग टोंग आश्रम पाटर का राज। चलते हैं दोस्तों फटाफट, जो है ट्यूबवेल का पानी चेक कर लेते हैं फावला निकाल के। दोस्तों ये देखो जी एक महिंद्रा खड़ा है जो यहाँ से 45 क्विंटल गन्ने निकाल लेगा रो रो के, और एक वो देखो जी वो भी महिंद्रा ही जा रहा कुत्तव्या, जो कई सौ कुंटल वजन लेके जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है, इस खेत में से वो भी नहीं निकाल पाएगा, वो भी रोड रोड पर तो चल रहा जी, थोड़ा बहुत खींच देगा। ये है जी देखो इतना फर्क है कि एक किसान का ट्रैक्टर खेत में उतना ही काम करता है जितने रोड पर करते हैं टिंग टोंग। एक वो आ गया जी उधर से अर्जुन, वो अपने पीछे जो है वो सरसों निकालने की मशीन ले रहा। और दोस्तों इतने सरसों का काम समाप्त होगा, इतने गेहूं आ जाएंगे, क्योंकि पछवा हुआ चली रही है दाएं दाएं, देखो जी कितनी पछवा चल रही है। और ये भी शुक्र रहा था हम गन्ने शाम को ही डाले आए थे, नहीं तो अब लो हमें मौका ही ना लगता ट्रॉली ले जाने का। यो देखो जी साथ के साथ ही एक भाई और ला रहा जी, देखो फंसाओ ट्रैक्टर भी पूरा जो है मट्टी मर्च कीचड़ में हो रहा जी, और ट्रॉली की भी देखो हालत, पर निकाल लाया चीता। यो कहीं चक्रोड ऐसी हो रही होगी, कहीं पानी भर रहा होगा। ट्रैक्टर को देखो जी कैसा लाया, बिल्कुल कवर करके, बस थोड़ा सा ही अंदाजा हो रहा कि महिंद्रा है। अब सीधा मील पर जागी जी ट्रॉली, अब कोई ऐसा नहीं रहा, मील खाली पड़े हैं कि बहुत ज्यादा टिंग टोंग हो रही हो। तो ट्यूबवेल पर सवाल लिए हैं जी फावड़ा लेके, अब यहाँ पानी चल रहा है इसमें 13235 में घुसेंगे गेहूं के में। और ये देखे जी ये गाय बिजार जो थे, जो मैंने आपको रात काला बिजार दिखाया था, वो पूरे गांव का राउंड लेता हुआ यहाँ आया जी। यहाँ जो है गन्ना खूंदते हुए निकल गया, कई सारी आँख गन्ने की खराब कर दी, फिर यहाँ से निकल के इधर गया, फिर उधर गया, पूरी रात यहीं भटका। लेकिन जैसे ही सुबह मिंदर आए, फिर वो दूसरी तरफ निकल गया, कहीं गन्नों में जाकर बैठ गया। अब दोस्तों आप ही बताओ, अगर जंगल में घास वाले हैं, छोटा बच्चा है, या हम भी हैं, अचानक अगर हमला कर देता है, तो अगर हम उसे घायल करते हैं तो हमारे लिए तो सजा है,
कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग आ जाए या कुछ भी आ जाए, लेकिन अगर वो किसान को मार देता है या घायल कर देता है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है। इसलिए अपनी जान बचाएं, अपने पास में हमेशा लाठी डंडा या कुछ भी अपना जो है अपने आत्मरक्षा के लिए कुछ भी हथियार रखें। जंगल सेफ नहीं रहे, हमारे यहाँ तेंदुओं का तो प्रकोप है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जंगली सुअर, नील गायें और ऐसे हैं। लेकिन दोस्तों हमें खतरा सबसे ज़्यादा इन बिजारों से ही है, जो गायें बिजार घूमते रहते हैं या अचानक ही हमला कर देते हैं, क्योंकि किसान भाई इन्हें अपने खेतों में से मारपीट के भगाते हैं तो ये आक्रामक प्रवृत्ति हो जाती है इनकी। तो इसलिए दोस्तों बच के रहें। ये देखें जी, यहाँ खुदैड कर रखी है, लेकिन कोई नहीं, ऊपर वाला और देगा। तो दोस्तों यहाँ से निकलते हुए चलते हैं, पानी चल ही रहा है, बबलू भाई ने पाइप बांध रखा, अब उधर देख लेते हैं एक बार कहीं हमारी छोल में पानी ना पहुँच जाए। बाकी जी जो इसमें दवाई करी थी उससे हल्का पड़ गया था, मतलब पूरा इधर थोड़ी हल्की करी थी, क्योंकि 13235 नाजुक है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। टिंग टोंग देख लेते हैं अंदर। अब जी वहाँ से आते हुए हम यहाँ से घुसेंगे अंदर। ये देखें जी, इधर वो है जो छाट के बोया था आधे से ऊपर का, और इधर जो 13235 में तसला विधि में 38 था वो पूरा बोया गया था। लेकिन देखें ओलावृष्टि के बाद में नई गोब निकल गई है, लेकिन बात वही है कि अपने तय समय से गेहूं का गन्ना पूरे एक महीना पहले कट गया है अब की बार। तो इसमें दोस्तों 10 से 15 क्विंटल बीघे का जो किसान भाइयों को नुकसान रहेगा, लेकिन कोई नहीं, पेड्डी हो जाएगी। पेड्डी में मेहनत कर लेंगे तो अगले साल पेड्डी हमारी भरपाई कर देगी। तो पेड्डी की जो तैयारी है वो जड़ से ही बहुत अच्छी लेकर चलेंगे। कटते ही इसमें डोज लगाएंगे, फिर इसे लंबे टाइम तक सुखाएंगे। स्प्रे और दानेदार दोनों चीज़ें जड़ पे और स्प्रे दोनों चीज़ लगाएंगे दोस्तों, उस बात की कोई चोरी नहीं है किसी से, और दिखाएंगे भी आपको जो मौका लगा तो। और इसे जो है फिर लंबे टाइम तक सुखा देंगे, फिर उसमें जो है पूरा ब्यांत मिलेगा हमें, और फिर इसमें बरसात में अंदर पावर वीडर चला के मिट्टी चढ़ाने की भी पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों पेड्डी जो है हमारे गेहूं के गन्ने का 10 से 15 क्विंटल का जो नुकसान हुआ है जल्दी कटने की वजह से वो पूरा हो जाएगा। टिंग टोंग अंदर घुसते हैं जी, फावला उठा लेते हैं। तो यहाँ तक पानी आ ही गया है, कोने तक देखें ये भर गया है जी पूरा इधर से। तो अब बढ़ते हैं आगे, कहीं है हमारा इधर छोल में पानी ना निकल जाए। टिंग टोंग गन्ना बहुत बेहतरीन हो रहा है जी, बहुत ही अच्छा। स्प्रे के बाद दोस्तों 240 और यूरिया कीटनाशक के बाद में गन्ना बहुत स्पीड से भागता है। टिंग टोंग चलते हैं आगे। दोस्तों पीछे से आ रहा हूँ मैं, डोल ठीक करता हुआ देखो जी, और घास बिल्कुल ख़त्म है खेत की, अब नई घास आने लग रही है। क्योंकि ये जो है 240 और यूरिया और ये चीज़ें कभी भी ज़मीन को ब्लास्ट नहीं करते। ये देखो नई घास आने लगी है, और गन्ने को देते हैं जी पूरी ताकत। और ये देखो जी गिद्दड़ ने कितना 38 खा रखा है, ये तो 38 है जी। देखो कभी किसी को लग रहा हो दूसरा बीज यार, कीड़ा भी देखो काफ़ी कीड़ा है, लेकिन फिर भी यूरिया ना जैसा बिल्कुल पा मतलब जो ओलावृष्टि हुई थी उसने गोला ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो है ऊपर की डांडी नई निकल गई है, पोगा भी अच्छा हो गया है। ये देखो ये दाग लग रहे हैं, ये सब ओले ने फोड़ दिए थे। और जैसे दोस्तों मैं यहाँ से करता चल रहा हूँ, देखो नील गाय खेत को छोड़ नहीं रही, गिद्दड़ भी नहीं छोड़ रहे। ये देखो जी नील गाय ने किस तरह से खा रखा है, इसलिए इसमें हमने पानी चला रखा है। ये देखो जी कैसे बुरके कर रखे हैं पोगों के, देखो जी कितनी बुरी हालत है यार। ये देखो गिद्दड़ का नुकसान दोस्तों इस खेत में, तो गिद्दड़ ने और नील गाय ने कमाल कर दिया जी। मतलब गन्ना तो इसमें है ही है भयंकर, शुरुआत भी इसमें बहुत डाउन हुई थी मतलब, लेकिन इसमें तो पेड्डी के लिए भी हमें तारवार लगाने पड़ेंगे, इसमें तो निकल ही नहीं रही नील गाय। तो आपको दिखाऊं इधर से, देखो डोल पे निशान है कितने, और ये देखो जी पोगा कैसे टूटा पड़ा है। देखो ये खा रखा डांडी, ये तोड़ी होगी यहाँ। फिर सुबह ये देखो जी गन्ने कितने मोटे मोटे, कितने भयंकर है गेहूं के। फिर भी गन्ना जो है कम दिनों में कट रहा है। देखो जी नील गाय ने गिद्दड़ ने कितना भयंकर नुकसान कर रखा है। और दोस्तों ये उसी खेत में ज़्यादा करते हैं जिस खेत में वन रूपी गन्ना होता है, कि जिस खेत में इन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है, घुसे रहते हैं उसी में। ये कभी भी हल्के खेत में नुकसान नहीं करते, क्योंकि दोस्तों बरसात के बाद में जब ये खेत हमसे ओवर हो गया था, जुताई नहीं हो पाई थी, मिट्टी नहीं चढ़ी थी, इस खेत में पता नहीं क्या तो हुआ। इस खेत का नाम भी दोस्तों मैं आपको बताऊँ, श्री माता जी वाला है, क्योंकि इस खेत में कभी कुछ होता ही नहीं था, ये बाग का हिस्सा था, तो इसमें घास फूस ज़्यादा होती थी। और ये देखें जी हाँ ये पोगे खा रखे हैं, देखो नील गाय ने कितना कितना भयंकर, इसका मतलब रात भी बड़ा झुंड आया कोई, लेकिन कोई बात नहीं, वो यहाँ रहने वाले हैं, खा रहे हैं अपने हिस्से का। लेकिन दोस्तों कुदरत वाले ने भी गेहूं का गन्ना पेड्डी जैसा कर दिया, एक महीने पहले कट रहा है जब भी गन्ना पूरा खुश कर रहा है हमें। टिंग टोंग दोस्तों जो नसीब में होता है मिलता है, कभी भी हुए को नहीं मेटना चाहिए, अपने नसीब को कोसना नहीं चाहिए।
पेडी बहुत भयंकर है। देखो जी पोगा कितना सुंदर है, नीचे किसी भी तरह से पत्ते पे कोई दाग नहीं आया। ये 240 का यूरिया का फॉर्मूला ऐसा है, देखो नील गाय ने खा लिए लेकिन इन पर किसी तरह का कोई भी दाग नहीं आया। यार नई घास फिर से चल पड़ी है, तो वो पानी जो ओवर होके इधर तक आएगा, मैं ये डोल चेक करता हुआ चल रहा हूँ। टिंग टोंग दोस्तों, उधर से भी पानी देख के आ गए हैं। और ये क्यारा जो है, ध्यान रखें आप, जो है 0238 का चक्रोड वाले क्यारे में से दोस्तों चौथी ट्रोली भरी जाएगी अब कल। ये बीच में रह रहा है, उधर से दो ट्रोली उधर से उठ गई है, एक इधर से उठ गई है। और इसमें जो है 21 पुली शायद जो है 23 पुली दूसरे खेत से आई थी पंडित जी वाले पास। तो आप ध्यान रखते रहना इसमें कितने कितने कुंटल की जा रही हैं। और दोस्तों इतने बड़े बड़े इस खेत में चार क्यारे हैं, दो क्यारे एक क्यारे के लगभग 13235 है और तीन क्यारे इसमें इसके हैं। और तो जैसे एक बहुत पहले की वीडियो में जो था, जब उस वाले में सड़क वाले में कॉलोनी के सामने वाले में दो ट्रोली गन्ने पड़े थे, शायद तीसरी भरने वाले थे, तो जी भैया कह रहे थे कि जैसे हमने बताया था कि भाई अभी हमारे पास में 30 ट्रोली गन्ना है, तो उन्होंने कहा था कि झूठ बोल रहे हो, ये है वो है, बॉन्ड हमने देखा है ये है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे मन में चोरी होती तो हम अपने बॉन्ड या अपने उनकी वीडियो या जो मैं कुंटल तुलवाता हूँ मैं क्यों दिखाता, क्या मुझे ज़रूरत थी। लेकिन दोस्तों बात नेगेटिव पॉजिटिव की ही आती है, हमें उस बात को नहीं सोचना है, हमें बढ़ना है। तो दोस्तों यही है, देखो एक महीना पहले कट रहा है, पानी देख कर आ गए हैं जी यहाँ छोल में बाबा के पास में। अब जो है अपना औजार निकाल लेते हैं। ये भी दोस्तों एक बार जो है मदन ठेकेदार देख कर गए थे, इसकी चोंच कटवा दी थी हमने, फिर ये यहाँ से लकड़ी काटते हुए यहाँ से गिर गई। लेकिन ये अगला फल है इसका, बढ़िया है। देखो फावड़े के दोरी देखो जी कितनी बड़ी दरती है। तो ये अब लगते हैं काट काट के थोड़ा सा पॉल या बांधते हैं। आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, टिंग टोंग। छोल में से आ लिए हैं जी, तीन पुली कर दी हैं, इतना ही टाइम लगा था मुझे। एक पुली के तो गन्ने कटे पड़े थे, दो मैंने काट के कर दी हैं, तो करीब 1.25 क्विंटल गन्ने, 1 क्विंटल गन्ने हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसी गिनती बढ़ती है काम की, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं 25 या 50 ही पुली छोड़ लूँगा, जब भी सहारा लगेगा। दोस्तों सहारा तो भर के डाल काने का भी है। तो ये अब यहाँ से धीरे धीरे मोटरसाइकिल के पास आ लिए हैं, सामान रखेंगे ट्यूबवेल में। और दोस्तों बिजली जो है गई हुई है, इतना बिजली आएगी इतना हम भी इनका चाय पानी लेकर आ जाएंगे खाना वाना खा के। तो दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और आप जो है ये जो यहाँ पड़ा है इसे कूड़ा ना समझें, ये जो हमारे खेत में सीमेंट के कुलाबे बने हुए थे, मोहंड जी ने बोलते हैं जिनमें पानी निकल के खेत में जाता है, ये बड़े अच्छे सीमेंट लगा हुआ था इनमें, बड़ी अच्छी ईंट थी। तो ये आने वाले टाइम में जो यहाँ पैक हाउस या जो भी होल बनेगा, गैलरी बनेगी, क्या क्या बनेगा यहाँ, तो उसमें ये नीचे आ जाएंगे काम कुटाई में, जो उनके ऊपर बीम डलेगा। तो दोस्तों ये कूड़ा नहीं है, ये हमने इसी हिसाब से पेड़ भी जो ये अपने आप ही उग गए थे, तो एक तरह की दोस्तों ओलट भी हो रही है, नहीं तो जो भी सीधा छूटता है सीधा ट्यूबवेल पे ही आता है। और फिर आपको पता ही है आसपास में सभी को पता है कि पानी रहता है होद्दी पे, लैटरिंग करेगा यहीं बैठ के फिर यहीं धोएगा। तो इसलिए दोस्तों यही है कि हमने इन पेड़ों को काटा नहीं, क्योंकि छाया है बहुत बढ़िया, ठंडी इनसे जो पार होकर पछुआ हवा आ रही है, अब इन पेड़ों से जो पार होकर आ रही है दोस्तों यहाँ ट्यूबवेल पर बिल्कुल ठंडी चिल्ड हवा आ रही है, और अगर वो डायरेक्ट आएगी तो गर्म आएगी। अब दोस्तों यही हवा जो है ना, जो भी ठंडी लग रही है हमें बिल्कुल प्यारी प्यारी, ये दोस्तों धीरे 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 गर्म लू बन जाएगी, ये गर्म लू बन जाएगी, बिल्कुल जो है गन्ने को सुखा देगी कटे हुए को। अब तो बस वैसे 10-15-20 दिन का गन्ना सारा ही रह रहा है किसानों के पास में, तो दोस्तों यहीं जान बचक रहेगी। वैसे तो होती तो आपको पता ही है हमारी नहाने लायक तो रही नहीं, इसमें तो हमने जीवामृत वगैरह वो गोबर वगैरह करते रहते हैं हम इसमें कुछ ना कुछ, और वो उस वाली में भी। तो दोस्तों यही है कि अब यहाँ से निकल चलते हैं फटाफट, यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। टिंग टोंग चूली बुली, घर आ गए हैं जी, रिया सब फिट है। और देखें जी अंश और अम्मा नहा लिए हैं, खाना खा लिया है, लेकिन फिर भी इन्होंने काफ़ी कट्टे जो हैं इनमें से डाई के यूरिया के अलग अलग कर लियो, डाई के डाई वाला ज़्यादा मजबूत है यूरिया से, यूरिया का रखियो इसमें पल्ली के, उसमें पल्ली बहुत बढ़िया बनेंगी उसकी, क्योंकि डाई वाले की गठिया नहीं बनती, यूरिया वाले की बन जा। टिंग टोंग, धन्यवाद, जुड़े रहिए।